नमस्कार। सो आज 17 सितंबर हो गई है, जैसे कहते हैं बिल्कुल स्प्रिंट चल रहा है और आखिरी के दो हफ्ते या एग्जैक्ट 13 दिन बचे हैं आज के बाद MBBS 2023 एडमिशंस प्रोसेस ख़त्म होने में। और एक मुझे लगा कि आप सबके लिए वीडियो बना दूं, आपको हेल्प करेगा। तो ये डाउट है, वो डाउट की वजह से लोग परेशान हैं। ये अक्सर वही है जो कम मार्क्स वाले हैं कि अब देखिए, हम जानते हैं कि MCC का तो राउंड 3 ख़त्म हो चुका, रिपोर्टिंग चल रही है, कल लास्ट डेट है रिपोर्टिंग का। और काफ़ी स्टेट्स के राउंड 3 के रिज़ल्ट आ गए हैं, राजस्थान का चल रहा है, यूपी का रिज़ल्ट आज अभी आने वाला है, उत्तराखंड का कल आएगा, हिमाचल हरियाणा आ चुका है, पंजाब का आएगा, MP का आ चुका, महाराष्ट्र का आ चुका, AP तेलंगाना का भी राउंड 2 ही चल रहे हैं, पर क्या करें, वो शायद एक राउंड को स्किप करेंगे, तमिलनाडु का तो सब अब ऑर्डर में चल रहे हैं, और अब AP तेलंगाना खैर क्या करेंगे, जितने लेट वो चल रहे हैं मुश्किल है कहना। पर ये इंटरेस्टिंग आपके लिए, क्योंकि ना MCC ब्रोशर में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इसको लेके लोग घबरा रहे हैं। मेरे पास भी 2-3 फ़ोन आए सेम भाई 2500 रुपये वाले, और मुझे लगता है कि चलो जो कॉमन चीज़ है वो मैं आप सबको बता दूँ। वो ये है कि सर कहते हैं, सर अगर लास्ट राउंड में हमने सीट ली और हमने नहीं ली तो फिर हम तो नेक्स्ट काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे अगले साल की, तो सॉरी नीट भी नहीं बैठ पाएंगे। अब ये सवाल एक तरह से जायज़ भी है, पॉइंट बिल्कुल वैलिड है, लेकिन उसको समझने का तरीका बड़ा डिफरेंट होता है। तो लोग ना ये घबरा रहे हैं कि सर अगर हमने MCC में सीट मिली तो, पहले मैं थोड़ा क्लियर कर, सॉरी, तो राउंड सबके राउंड 3 ख़त्म, तो मेरी आप सबसे पहली बात ये इल्तिजा है या एक सजेशन है, अगले 3 दिन तक कुछ भी हड़बड़ी में डिसीजन मत लीजिए। हड़बड़ी मतलब तमिलनाडु पौंडेचेरी में कहीं पैसे दे के मत आइए। मैं भी अपने क्लाइंट्स को कह रहा हूँ जो हमें अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि आप हमेशा, मैं आपको कहता हूँ कि बिफोर अ एजेंट वी आर अ MBBS काउंसलर और बिफोर दैट वी आर अ करियर काउंसलर। और तमिलनाडु और पौंडेचेरी की यूनिवर्सिटीज़ में अभी भी मेरी वही धारणा है, लैंग्वेज और फूड को लेके जो इशूज़ हैं, और फिर कुछ यूनिवर्सिटीज़ में सब कुछ इशूज़ हैं, ACS SNM वगैरह सब अच्छी हैं, बट उसमें लैंग्वेज और फूड का इशू तो है, स्पेशली नॉर्थ इंडियंस के लिए। अब हर तरह के लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे, पैकेज फाइनल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। देखिए सच्चाई की बात क्या है, सच्चाई की बात ये है कि चौथे राउंड में भी सीट तो ऑनलाइन में मेरिट से मिलेगी ना, तो अगर आप पूरी फीस देने वाले होंगे और आप ऊपर फॉर्म भर देंगे, आपके नंबर ज़्यादा है तो सीट तो आपको मिलेगी। इस समय जो आप जाके बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर आपको सीट अलोकेट हुई तो आप इतनी फीस में ले लोगे, ठीक है ना। और ये पैकेज अगले 4 दिन में नहीं चेंज होने वाला, लेट मी टेल यू, जो जिसका फीस 16:5 आपको मैसेज आ रहे हैं या 17:45 आ रहे हैं वो उतना ही रहेगा। और मोटा मोटी तमिलनाडु पौंडेचेरी में आपका कम हॉस्टल मिला के 1 करोड़ में हो जाता है, 2-3 लाख रुपये ऊपर नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ़र्क क्यों नहीं पड़ता मैं ये समझाता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने कहा अभी तो राउंड 3 भी चल रहा है, लोग कल राजस्थान में ट्राई कर रहे हैं, और मैं बिना नेगोशिएशन वाली बात कर रहा हूँ, फिलहाल राजस्थान में 1-2 कॉलेजों के अलावा कहीं नेगोशिएशंस अभी कोई लोग ऑफर नहीं कर रहे हैं। पर कल जब राउंड 3 ख़त्म हो जाएगा तो राजस्थान भी सुधरेगा मेरे ख्याल से। फिर मैंने आपको स्ट्रे का लॉजिक बताया था कि कई मेरे ही क्लाइंट हैं, दुनिया में बहुत लोग होंगे जिन्होंने राउंड 3 में 4-4 जगह फॉर्म भरा होगा, और मेरे एक साउथ इंडियन क्लाइंट है, परसों ज्वाइन करने आने वाला है हरियाणा का कॉलेज, बट उसने अब AP तेलंगाना दोनों में राउंड 2 में चॉइस फिलिंग करी हुई है। अगर उसे हर जगह सीट मिल जाएगी तो वो एक ही तो लेगा ना। मेरे कई क्लाइंट्स थे, मैंने तो मना करा, फिर भी उन्होंने 3-3 जगह भरा, क्योंकि मेरा कोशिश रहती है सिक्योरिटी डिपॉजिट बचाने की। और उन्होंने बोला सर आप चिंता ना करो, बस अब हमारा मन नहीं मान रहा तो हम 4 जगह भरे। तो मेरे क्लाइंट ने 4 जगह भरा हुआ है, हिमाचल हरियाणा UP उत्तराखंड। उसके मार्क्स ऐसे हैं कि शायद उत्तराखंड में गुरु राम राय ना मिले, ऑफकोर्स उन्होंने गौतम बुद्ध नहीं भरा, बट बाकी 3-2 में उनको मिल चुका है, UP में भी शायद आज तीर्थांकर महावीर उनको मिल जाएगा, एक ही तो लेंगे ना, तो ये सीटें भी स्ट्रे में आएंगी। और MCC और स्टेट्स का स्ट्रे इकट्ठे चलेगा, ये हो गया मेन टिप। अब आती है डेट्स की बात, जो मैं हमेशा कहता हूँ एज ए गुड काउंसलर, 21 तारीख से MCC का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, ठीक, 23 तारीख दोपहर तक चलेगा, उसके बाद अब चॉइस फिलिंग करेंगे 24 रात तक, और इसलिए अब 20 तारीख के बाद शायद मैं कहूँगा एक एक दिन इंपॉर्टेंट होता है, आज नहीं, राउंड 3 ख़त्म होने दो, उत्तराखंड का रिजल्ट आने दो, रिपोर्टिंग ये होने दो, सब रिपोर्टिंग ये ख़त्म हो जाएंगी स्टेट्स में भी 20-21 तक। ऑफकोर्स बिल्कुल बात सच्चा है कि MCC की चॉइस लॉकिंग से पहले आपको शायद स्टेट्स का सीट मैट्रिक्स नहीं मिलेगा, स्ट्रे में कितनी कहाँ खाली है, बट MCC में क्या है, 24 को चॉइस लॉक करके हमारे 2 लाख फंस गए, मैं ये मानता हूँ, पर मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको कॉलेज में फंसने की ज़रूरत नहीं है। आज 17 तारीख को आप 23-24 शायद 25 तक भी वेट कर सकते हो, आपने मोटा मोटी सोच रखा है, मोटा मोटी आप बात करो, हम भी करवा ही रहे हैं, मेरे थ्रू बात करो, किसी और के थ्रू बात करो, डायरेक्ट बात करो, आपने बात कर रखी है और आप बात तो
एक भी नहीं दो कॉलेज से बात कर रखे हो। मैंने आपको ये बोला था कि अगर पर्टिकुलर कॉलेज में आपसे ऊपर, देखो भारत तो शायद सभी को मिल जाएगा, लेकिन आप ए सी एस या लक्ष्मी नारायण या उस तरह से आप चूज़ कर रहे हो तो आप दो से बात करके रखोगे ना, दो से आप पैकेज ले के रखो, तैयार करके रखो कि हाँ जी मैं आऊँगा तो इतने पैसे ही दूँगा, और उनसे टाइम मांगो 4-5 दिन का। उस 4-5 दिन का फ़ायदा ये है कि 4-5 दिन का 6-7 दिन हो जाता है। अब ये भी चलो आपने खेलना है, वो आपकी मर्ज़ी, आप कितना खेलो। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ों बताने वाला था जिसलिए वीडियो शुरू किया था मैंने। अब लोगों को पता क्या डर लग रहा है, सर हमने एमसीसी में भर दिया, बात कर ली और हमें मीनाक्षी मेडिकल मिला या हमें लक्ष्मी नारायण पौंडीचेरी मिला और हमें अच्छा वाला स्टेट्स में अच्छा कॉलेज मिल गया जो हम चाहते थे लेना। हम नॉर्थ इंडियन है, हमें हरियाणा में साधोपुर निकल गया राउंड 4 में, या अल्फ्लाई निकल गया, झज्जर ही निकल गया, हिमाचल का सोलन निकल गया, गौतम बुद्ध निकल गया। अब हम एमसीसी का ज्वाइन नहीं करेंगे तो हम तो अगले साल के लिए गए, हम अगले साल नीट में बैठ नहीं पाएंगे जो उनका रूल है। पर मैं कहा यही, अब यही तो ग्लिच है, अगले साल नहीं बैठ पाओगे ना, पर तुमने तो इसी साल गौतम बुद्ध ज्वाइन कर लिया तो फिर तुम अगले साल नीट में तो बैठना नहीं है। दैट मीन्स ये भी इसलिए सच है कि इस साल राउंड 4 में बहुत सीट्स ख़राब होने वाली है ऑनलाइन वाली, क्योंकि जो मेरे वीडियो सुन रहे हैं आप राउंड 4 में जो भी खाली बैठे हैं आप एमसीसी का फॉर्म जरूर भरिए, ज़रूर भरिए, क्योंकि वो शायद आपको एक इंश्योर सीट देगा। वो अच्छे भी निकलेंगे, जैसे जिसके पास बजट है, गीतम की सीटें निकलेंगी जिसमें एक 35 का पैकेज पड़ता है आपका, एक 28 का, शायद कुछ संतोष की निकलेंगी, कुछ इस तरह की भी निकलेंगी, फिर तमिलनाडु पौंडीचेरी की निकलेंगी। बट इसके साथ साथ अगर जो लास्ट वो था कि 500-600 सीटें डीम्ड में हैं अभी, तो तकरीबन कुछ कुछ सीटें पूरी इंडिया की मिला लें, कुछ हरियाणा में निकलेंगी, कुछ हिमाचल में, क्या पता राजस्थान में भी 100-150 बच्चे, खासकर पैसिफिक कि मुझे पूरी उम्मीदें बचेंगी। तो एक बच्चा तो दोनों जगह भर सकता है ना, तो आप दोनों जगह भरोगे, आपको लेट से एक ही मिलेगा तो वहीं जाओगे, दोनों मिलेगा तो आप एक जगह जाओगे। लेट से आपका मन करा पैसिफिक जाने का या आपका मन करा झज्जर जाने का और आपने वो अपनी मीनाक्षी मेडिकल छोड़ दिया, तो जो एमसीसी का वो था पेनल्टी वाला क्लॉस कि अगले साल आप नीट में बैठने नहीं पाओगे तो हमें तो बैठना ही नहीं है, हम तो इसी साल चले गए अपना झज्जर या चले गए अपना गौतम बुद्धा या चले गए तुक्का लग गया तो गुरु राम राय या SGT एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो उस रूल से मत घबराइए और राउंड 4 में डेफिनेटली देखिए, जब लास्ट तक जो बैठा हुआ है मजबूरी वाला उसको हमें सिक्योरिटी डिपॉजिट तो हमारे ख़राब होंगे, जो एज ए काउंसलर मेरी कोशिश रहती है कि आपके ना हो, बट राउंड 4 में आप 2-3 भर के रखिए। एमसीसी वाला ज़रूर भर लीजिएगा जब 21 तारीख को खुले, 2 लाख दे के ठंडे बैठ जाइएगा। 24 तारीख रात तक आपके पास चॉइस फिलिंग का टाइम होगा, 24 तारीख रात तक आप देखिएगा कि क्या हो रहा है, किस स्टेट्स में कितनी सीट्स आ रही हैं, उधर से आप नेगोशिएट करके रखिए तमिलनाडु पौंडीचेरी की लोगों के साथ। कोशिश तो कीजिए ना कि बेटर मिल जाए, कोई बेटर सीटें निकल जाएँ, ये भी हो सकता है कि अच्छी सीटें हैं। देखिए मैं आपको इनडायरेक्टली एक एग्जाम्पल दूँ, मेरे पास एक फ़ोन आया फीस देकर, टाटा मनीपाल अलॉटेटेड है राउंड 3 में और अब वो जॉली ग्रांट राउंड 3 में स्टेट कोटा ले रहा है। कुछ कन्फ्यूजन हो गई थी कि उसने अभी तक बच्चे नहीं ले रही था, 580 नंबर वाला बच्चा है तो उसे पक्का मिल जाएगा जॉली ग्रांट की स्टेट कोटा की सीट, तो टाटा मनीपाल की भी सीट क्या पता राउंड 4 में आ जाए स्टे में, राइट। तो इस तरह से भी पॉसिबिलिटी होती हैं, 2-4-5 40-30 यूनिवर्सिटी में आएंगी तो भाई 100 बन जाएंगी ना, तो वो होंगी आपके पास, उनको ऊपर भरी अगर आपके नंबर 400 हैं 350 हैं या सॉरी 250 भी हैं। और दूसरी तरफ नॉर्थ के भर के रखिए जो भी आपको सूट करता है एरिया, और ये निश्चिंत रहिए क्योंकि आप सीट लेने ही वाले हो ना, तो आपको अगले साल तो नीट में बैठना है नहीं, जब अगले साल नीट में बैठना ही नहीं है तो टेंशन क्या लेनी कि सर एमसीसी से मैंने सीट अलोकेट कराई और मैंने नहीं ली, तो उन्होंने यही तो डाला था ना कि नेक्स्ट ईयर नीट में नहीं बैठ पाओगे और नेक्स्ट ईयर काउंसिल में नहीं बैठ पाओगे, या यूपी ने बोला कि नेक्स्ट ईयर यूपी काउंसिल में नहीं बैठ पाओगे। अरे भाई हमें तो अगले साल बैठ रहे हैं, हम तो इस साल सीट ले ही रहे हैं, हमें तो 3 सीटें मिल गई, हम एक ले रहे हैं 2 को छोड़ रहे हैं। और उसका एक और इंटरप्रिटेशन यही है जो मेरी गट फील कहती है, जब मेरा ये वीडियो लोग सुन के समझ जाएंगे तो इस साल स्ट्रे में भी बहुत सीटें ख़राब होंगी और मेरे ख्याल से वेटिंग निकाली जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, क्योंकि एक ज़माने में एमसीसी डीम जब स्ट्रे होता है ना, जब भी ऑनलाइन होता है तो वेटिंग निकाली जाती है कि भाई ये अलॉटमेंट है ये वेटिंग है, तो दैट मीन्स कि इनको पहले बुलाओ और ये ना आए तो फिर ऑर्डर से आप सबको आके सीट दे सकते हो पर्टिकुलर डे पे, क्योंकि स्पेशल स्ट्रे होगा, 5वां राउंड होगा, ऑफलाइन होगा, मुझे मुश्किल लग रहा है, तो 4th राउंड में ही वेटिंग लिस्ट निकाली जानी चाहिए। तो मेरा पॉइंट यही था कि हड़बड़ी मत कीजिए, और डेफिनेटली जो मैं हमेशा कहता हूँ कि देखिए इंडिया का काउंटर पार्ट है नेपाल, और इसके अलावा किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एक्सेट्रा एक्सेट्रा, रशिया भी लोग बाहर पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जाने के लिए आपको कोई टेस्ट नहीं देना होता, बट नेपाल का एक फॉर्म है जो भरना ज़रूरी है, और वो फॉर्म नहीं भरा तो आप नेपाल में आपको सीट मिलेगी ही नहीं, और वो नेपाल का फॉर्म 1 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा।
इसलिए मैं बाबा ना नेपाल का जिक्र करता हूँ, मैं रशिया, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान या चाइना का जिक्र नहीं करता, अभी वहाँ पर ऐसा कोई फॉर्म नहीं है। तो वहाँ पर आप 3 अक्टूबर को भी किसी एजेंट को बोलोगे जो भी आपके आसपास का है या जो भी जिसका आपके ऊपर विश्वास है, जिस पे आपका विश्वास है, तो वो आपका काम 4 अक्टूबर को भी करा देगा, कोई टेंशन नहीं है। और आप चले जाओगे अक्टूबर एंड तक, नवंबर तक अपने डेस्टिनेशन में। बट नेपाल की मजबूरी है, इसलिए मैं जब भी अब्रॉड की बात करता हूँ या बैकअप की बात करता हूँ, मैं आपको क्यों नेपाल बोलता हूँ, कई लोग मुझसे पूछते हैं सर नेपाल आपका खास प्रेम है। डेफिनेटली इन ऑल दी अब्रॉड इंडस्ट्री नेपाल तो मिनी इंडिया है, पर दूसरा ये है कि नेपाल ही एकमात्र अलग कंट्री है, अदर देन मैंने बोला ना बांग्लादेश वगैरह, जिसमें ये आप उनका फॉर्म भरना पड़ता है। आप टेस्ट में बैठो ना बैठो बात अलग है, पर फिलहाल जो नेपाल का फॉर्म निकला हुआ वो भरना ही पड़ेगा, ये तो आप एलिजिबल नहीं रहोगे। और वो फॉर्म भरने की डेडलाइन भी 1 अक्टूबर है, विच मीन्स टोटल आपका कुछ 10,000 रुपये खर्चा है इस समय, अगर आप हमसे भी संपर्क करते हैं या किसी से भी। 5,000 का ऑफिशियल फीस है, 5,000 रुपये बेसिक सर्विस चार्ज मान लीजिए, तो ये फॉर्म भर के आप सेफ रहे। उसका भी 17 तरीके, आप 5-6 दिन सोच सकते हो, उससे लेट मत कीजिए, क्योंकि पता चल जाएगा क्या हो रहा है। और बजट तो देखो आपको पता ही है, जो भी आखिरी की सीटें हैं सस्ती में तो मिलने आपको है नहीं, तो आपको 50-60-65 में जाना है फिर तो नेपाल ही बसता है। और उसमें आप अपना फॉर्म अब भर सकते हैं, या आपको लगता है कि नहीं जी अगर मैं 80 तक में कोई झज्जर तरक जाए या कोई 80 के बजट का कॉलेज मिल जाए तो मैं वो लेना चाहता हूँ, तो भी नेपाल को बैकअप की तरह लीजिए, उसमें कोई कमिटमेंट नहीं है अभी, सिर्फ 10,000 रुपये कमिटमेंट है। ठीक है, तो सब समझ गए आप, तो ये आपको हेल्प करेगा राउंड 4 की स्ट्रेटजी। और मेरी सलाह ये है अगले 3 दिन जस्ट इन्जॉय द थर्ड राउंड्स, लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग, लुक एट किसको किस मार्क पे सीट मिल रही है, और उसके बाद आप आराम से जिसे कहते हैं डिसाइड कीजिए। 21 में स्टार्ट है, आई थिंक 22 से वो मैं कहूँगा क्रिटिकल डे होना शुरू होगा, तो क्योंकि वैसे तो 23 दोपहर तक है, पर आप बेसिक रजिस्ट्रेशन वगैरह जैसे कर लीजिए, वैसे MCC में रजिस्ट्रेशन का टाइम भी नहीं लगता है। तो 20 तारीख तक, मतलब अगले 3 दिन तो मैं कुछ मत कीजिए, जस्ट लुक एट अराउंड यू क्या हो रहा है। जो राउंड 3 पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, खाली रह चुका है, पेशेंस से बैठिए, रिसर्च कीजिए अपनी या किसी कंसल्टेंट के थ्रू, कौन आपको क्या पैकेज दे रहा है। कमिटमेंट मत कीजिए अल्लाह से कोई डेडलाइन हो, जो मुझे भी नहीं पता होगा कि मैं शायद सारे स्टेट्स ट्रैक नहीं कर रहा। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमारे पास कोई बिहार का क्लाइंट नहीं है, तो शायद मैं बिहार को ट्रैक नहीं कर रहा और बिहार के बारे में आपको ज़्यादा अपडेट भी नहीं देता हूँ, या उड़ीसा तो वैसे भी क्लोज स्टेट था, या गुजरात जो क्लोज स्टेट था। तो उसके अलावा जब तक कोई डेडलाइन आ जाए अचानक से कि भाई सर आपने तो बोला था 20 तक आराम से बैठो, बट एक पर्टिकुलर फॉर्म खुल गया है जो 1900 ख़त्म हो रहा है अगले राउंड के लिए, तो बात अलग है। अदरवाइज़ अगले 3-4 दिन आराम से बैठिए, 21-22 तारीख वुड बी क्रिटिकल। या अपने 22 तारीख अपना MCC का फॉर्म वगैरह भर के रखिए, बात करके रखिए कॉलेजेस से, यूनिवर्सिटीज़ से, और जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल आराम से कीजिए। 23-24 तारीख तक ना स्टेट्स के भी सीट मैट्रिक्स आने लग जाएंगे, ठीक है ना। तो किसी हाथ में पैसे मत दीजिए, ये मेरी सलाह है आपको। और उसी बात की हम आपसे पैसे लेते हैं, नॉमिनल 40,000 रुपये जो हमारे काउंसलिंग चार्जेस हैं, और जो अभी भी हमें नहीं जानते, पहली बात करने के लिए हम 2,500 रुपये लेते हैं, फ्री में नहीं करते, बट वो बात पहली और वन टाइम होती है। आप कई लोगों ना ये भी करते हैं कि सर हर बार आपको फ़ोन करने के 2,500 रुपये दे देंगे, आप समझिए जो मैं एक बार बात करके 2,500 रुपये लेता हूँ, दैट 2,500 रुपये इज़ नथिंग फॉर मी ऑल्सो, राइट। ये तो ये है कि फ्री के बदले में 2,500 रखा हुआ है, बट दैट डजेंट मीन कि आप हर बार 2,500 रुपये देके बात कर सकते हो। उसके बाद तो आपको 40,000 का पैकेज लेना ही पड़ेगा। 9643362320 इज अवर नंबर। अभी भी आपको खाली बैठे हूँ, सीट चाहिए, यू कैन कॉल अस। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।